है जो एक मिनट सरियान और शान में दो भरा खड़े सरियान और शान में कई बंदे आज जे जो गूल पंचायत में जो जे जे एम की स्कीम जो लगातार पूरे जिला में पूरे जोरों से जो काम लगा हुआ है, कि भारत सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय जो हमारे जे के यू टी में ख़ास तौर पर मैं कठुआ की बात करूंगा अपने ज़िला की, कि 50 से ज़्यादा जो काम आप स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे हमने साथ जो रूरल एरिया में हमने किए हैं, कंडी में किए हैं, शहर में किए हैं। तो ये बहुत ही पुरानी डिमांड, क्योंकि यहाँ वाटर लेवल तो है लेकिन इतना पीने लायक साफ पानी, क्योंकि ये जो डीप बोरवेल होगा ये 100, 150, 200, 250, 300 भी जाए, जितना गहरा जाएगा उतना ही स्वच्छ जल यहाँ से आएगा। तो मेरे साथ आज गूंद पंचायत में मेरे छोटे भाई डीडीसी के काउंसलर संदीप जी, हमारी मैडम सरपंच साहिबा, हमारे एक्स सरपंच साहब और जहाँ के पंचिस और स्थानीय लोग और हमारे कंट्रेक्टर भाई भी, हमारे सुनील जी और बड़े भाई साथ में सारे। तो ये लोगों की सरकार है, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है, लोगों के हित की काम है। मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये जो स्कीम, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़ी देर के बाद और कम से कम 50 से ज़्यादा, हमने ये 70 से भी ज़्यादा स्कीम्स हैं, तो हमने 50 के लगभग ये जो इनॉग्रेशन हो गई हैं और मुझे लगता है कि आने वाली गर्मियों तक इसमें जो है लोगों को इजाफा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। तो हम सब मिलके इन स्कीमों का भरपूर फ़ायदा लें, अच्छे से काम करें और लोगों की जो मुश्किलें
वो सारी दूर हो जाए, और क्योंकि जल एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाजू जल, तो बाजू तो कुदरत की तरफ से हमें मिल ही रहा है, तो हमारा भी फर्ज है कि और पौधे लगाएं, उसको और शुद्ध बाजू मिले। तो एक सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो हमारे महापुरुष रहे, उनका सपना था कि गांव में आखिरी पंक्ति पे खड़ा, आखिरी घर तक हमारे समाज के लोग, हमारे इलेक्टर लोग वहां पहुंचे और उनको राहत दे। आज उनका सपना ये जो भारत सरकार पूरा कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र जी का, बहुत बहुत धन्यवाद एलजी साहब का, कि जो आज ये जो इतने अच्छे काम, अच्छे प्रोजेक्ट और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हो रहे हैं, तो हम सब मिल के इनका अच्छे से काम करें और इनका सदुपयोग करें, और अच्छा हमें हमारे लोगों को जो है जल की राहत मिले। मैं तो कहूँगा जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आज हम लोग गूद पंचायत में यहाँ पे जो एक हमारा पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे ट्यूबवेल का उद्घाटन करा गया है, इनॉग्रेशन करा गया है। यहाँ पे एक रेजरवायर लगाया जाएगा और यहाँ पे पंप हाउस लगेगा, जिसमें ये हमारे गूंद पमोवाल जो नियर बाय एरिया है, यहाँ पे इनको वाटर सप्लाई जो है वो आने वाले टाइम में दी जाएगी, क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल तो बहुत कम है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ का जो पेयजल है, वहाँ की दिक्कत जो थी लोगों की, वो काफ़ी टाइम से, क्योंकि रेगुलर सप्लाई जो थी वो नहीं हो पाती थी। तो अभी ये जो हमारे JKUT में हमारे LG साहब की तरफ से ये एक जो स्कीम है उसके तहत ये 502 करोड़ की जो स्कीम है पूरे हमारे कठुआ के लिए, उसमें से ये 5.80 करोड़ की जो स्कीम है ये, उससे आज यहाँ पे ये पूरा जो वाटरशेड तैयार किया जाएगा। इसके बाद ये पूरा पाइपलाइन जो है वो बिछा के यहाँ के लोगों को पानी की सप्लाई दी जाएगी, और आने वाले टाइम में यहाँ पे जो पानी की किल्लत है, या क्योंकि शमशान घाट भी बगल में है, तो यहाँ पे यहाँ के लोगों की जो पानी की दिक्कत है, समस्या है, वो दूर की जाएगी। इसके साथ साथ हमारी एक CFC है, जो हम रोड के साइड पे एक और बहुत जल्द यहाँ पे काम उसका भी शुरू करवाने वाले हैं, ताकि जो गांव से आने वाले लोग या शमशान घाट से आने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे उनको उसकी भी CFC जो है उसका भी जो उपयोग है वो हो पाए, और लोगों को यहाँ पे जो दिक्कत है, परेशानी है, जो गंदगी फैलती है, उससे निजात मिले। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। पंचायत गोंद से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, हमारे प्रेसिडेंट महान सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे रघुनंदन सिंह जी, DTC काउंसलर संदीप मजोत्रा जी, मैडम तोशी रानी सरपंच, जितने भी हमारे आए हुए कॉन्ट्रैक्टर, PHE के ऑफिसर, जितने भी हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी पंचायत में एक ट्यूबवेल लगेगा, लेकिन हमारी मेहनत और इनके बड़े भाइयों की तरफ से हमारे जो भी प्रयास किए गए वो अच्छे निकले, और अच्छा हमें लगा। आज बहुत हम खुश हैं इस गांव के जितने भी लोग हैं कि जो ये ट्यूबवेल लगा है ये लोगों को सुविधा प्राप्त करेगा, पानी अच्छा मिलेगा। बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आए हैं मेरे भाई जी, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू।